एक गर्भवती महिला के साथ ससुराली जनों ने जमकर मारपीट की, लेकिन चाता पुलिस मुकदमा इजलास में दर्ज कराने का हवाला देती रही। यूपी सरकार द्वारा भले ही महिलाओं को लेकर कितने ही सख्त कानून क्यों न बनाए जा रहे हो, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल ये मामला है ब्योही थाना इगलास अलीगढ़ का, जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ उसके ही ससुराली जनों ने मारपीट की, जिसकी वजह से गर्भवती महिला के पेट में पल रहा उसका बच्चा गिर गया, जबकि उसके बच्चे के पूरे महीने चल रहे थे। मारपीट करने पर अब उसके बच्चे और उसकी माँ दोनों को ही जान को खतरा बना हुआ है। दबिश मामले को लेकर उसकी मां कौशल्या और निहाला पुत्री नेक्सेलाल हाल निवासी कृष्णा कॉलोनी छाता इगलास में ससुरालियों के खिलाफ शिकायत करने गई, तब वहां चौकी इंचार्ज ने शिकायत लिखने से मना कर दिया और पीड़ित महिला दर्द के मारे थाने में ही तड़पती रही। लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों को किसी भी तरह का उस पर रहम नहीं आया और उनसे ये कह दिया गया कि आप इगलास जाइए और वहीं पर रिपोर्ट लिखवाइए। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं? तो क्या समस्या हुई आपको जो आपकी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है? सास ससुर ने कहा, 3 दिन से परेशान थे हम सर। हम काम के कह रहे थे, हम पे काम हुआ नहीं। जब ज्यादा परेशान हुई, हमारी दीदी हमें लेकर चली, हमारे संग मारपीट हुई। ये दीदी तो चली गई छोड़कर, हमें कमरे के बाहर डाल दिए पीछे। मारपीट किसने की? ससुर ने। क्या नाम है ससुर का आपका? हरपाल। और बुआ सास ने मारी। उनका क्या नाम है? पप्पन। अच्छा, और किसने मारी? और रेखा और मेरे पति। उनका क्या नाम है? सौरभ। कहाँ के रहने वाले ये? ये ब्योही इगलास। इगलास में पड़ता है। तो आप कहीं तहरीर देने और किसी थाने गयी? नहीं आए। अच्छा, गए वहाँ? गए इगलास गए। वहाँ क्या कह दिया? वहाँ कह दिया वहाँ से कराओ, छाता से कराओ। छाता से भाई, इगलास थाने में आपकी तहरीर नहीं ली? नहीं ली। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भगवान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? छाता। अच्छा, छाता थाने में आप क्यों आए हो? सर हमारी बहन का उत्पीड़न कर रहे थे लोग, हमारे ससुराल वाले, तो हमारे पास उनका फोन आया। फिर हम यहाँ से गए तो हमारी बहनों की स्थिति इतनी खराब थी, क्योंकि डिलीवरी हुई घर के पीछे पड़ी थी। एक बहन को हमारी को बहुत मारा ससुराल वाले, हम पे मारने के लिए और दौड़े, और एक निकले और उसकी बुआ सास ने हमारे पास कपड़े फाड़ के हमारे पीछे पड़ गए, इनके ऊपर क्षेत्र लगा। अच्छा, वहाँ से अपने प्राण भगा के भाग। आपकी जो लड़की है कहाँ पे? गाँव ब्योही। गाँव ब्योही थाना इगलास जिला अलीगढ़। वहाँ पे शादी हुई थी? हाँ जी। कितने दिन हो गए शादी? 2 साल। 2 साल हो गए। तो क्या लड़की? एक लड़की? दो लड़की। हाँ जी। तो किस बात को लेके विवाद हुआ? क्या दहेज? दहेज, दहेज के पीछे। अच्छा। हाँ। तो अब बच्चा था इन पे? सर ये प्रेग्नेंट थी, इसके पेट में लात मारी जो 15-20 दिन पहले डिलीवरी हुई। समय से पहले डिलीवरी? एक बच्चे अच्छी दिया और ये कह दीजिए कर बात करवा दी, अपने कितने जुगाड़ लगा दी। क्या नाम है आपका? सोनू है सर मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं रांची रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ छाता थाने क्यों आए हो? यहाँ सर ये रिपोर्ट कराने आए अपनी बहन की। क्या मामला हो गया? सर वहाँ पे मेरी बहन को मारा है, पीटा है, और मारते पीटते समय उसके पेट से बालक हुआ है सर। अच्छा, मारपीट की है? किसने मारपीट की है? सर इसके सास ने की है, ससुर ने की है, और इसकी दो बुआ है रेखा पप्पन, इसके पति है रावण सौरभ, मारपीट की है। मारपीट की है? तो मारपीट से बच्चा भी गिर गया इनका? जी सर। तो किस बात को लेके विवाद हुआ? सर ये दहेज के ऊपर विवाद है सर। तो कौन से जगह आपकी बहन भी आई है? सर ब्योही इगलास। तो इगलास वहाँ पे थाना पड़ता है, वहाँ पे एफआईआर क्यों नहीं कराई? सर वहाँ पे नौ कह दिए यहाँ से कुछ नहीं होगा, छाता जाइए वहाँ से कराइए आप। यानी आप इगलास थाने गए, आपकी वहाँ सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई सर, इसलिए छाता थाने आए हो सर। तो अब कहाँ लेके जा रहे हो? अब सर छाता लेके यहाँ आए हैं, छाता अब हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। तो आपने फिर छाता थाने में तहरीर दी है? जी दी है सर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सर कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे।